pivotal role, such an important role in Indian history also. केंचो बंदा सबसे पहले हमारे साथ बोलो जय माता दी ऑन द स्टेज विद यू फाल्गुनी जी. हम सब ने आपको बचपन से देखा है. मैं आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स जब आप बहुत पहले एक साल बाद फाल्गुनी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार. सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. इट इज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर कि इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म के साथ हम आए. लगभग एक साल बाद आएंगे आप उस रोल के बारे में, आपके इस मोमेंट के बारे में. पहले तो आना रात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस है आप सबको. थैंक यू फॉर ऑल योर लव. थैंक यू. जय माता दी. थैंक यू रशी. विश यू ऑल द बेस्ट. और आपने बोला रोल के बारे में. Why don't we play the teaser? And you all know what to do. They're all selfie-ready audience. Fifteenth November, the Sabarmati record comes out in Dobroko or in the film today. I have to. ये थोड़ी नाइन साफी होगी. आपने से घर वालों के साथ ही आपको थोड़ा ऐसा भी लेना है और थोड़ा ऐसा भी लेना है. यहाँ से विदा लेने से पहले आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने थोड़ा समय दिया, हमें सुनने की कोशिश की. प्लीज 15 नवंबर को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म देखने की कोशिश करिएगा. आप लोग जाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी. एंड थैंक यू सो मच शोब्लिक्स. थैंक यू सो मच जिग्नेश हिलानी जी फॉर हैविंग अस हियर. बहुत अच्छा लगा. अपने मोबाइल के साथ होते हैं जिनको हमने कहीं देखा था और वो कुछ भी चीज बिगड़ जाए तो उसको सुधारने में लग जाते थे. सारा भाई वर्सेस सारा भाई. लेडीज एंड जेंटलमैन लेट अस वेलकम ताजा खबर की स्टार का. आज तक काफी फिल्में बनी हुई हैं लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म बनी है ना. पहले नौ रात्रि ठीक है. रोल तो सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों सारी बधाई. आज शुभारंभ हो गया है एंड इस मौके पर हमें आप लोगों के दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छा लगा. एंड हमने देखा ऑडियंस से भी आपने नवरात्रि के मौके पर इंटरेक्ट किया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद ऑडियंस के साथ में नवरात्रि के इस मौके पर. आई थिंक मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है. हम भी नवरात्रि मनाते हैं लेकिन इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोग सब साथ में आते हैं और इतनी ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हैं मैंने पहले कभी नहीं देखा तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जी. सर मेरे लिए भी और फाल्गुनी जी को देखने का मौका मिला एंड इतने सारे लोग और जैसे आपने कहा शुभारंभ हुआ है. माता जी का आशीर्वाद भी लिया हमने. हमारी फिल्म भी हमने लोगों के साथ शेयर की है तो उम्मीद है कि माता जी का आशीर्वाद रहेगा हमारी फिल्म पे भी. टीजर आ गया है एंड बहुत ही अप्रिसिएशंस मिल रहा है. साबरमती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस फिल्म के बारे में लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसी फिल्म है जो एक्चुअली टीज़र ने बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करी ऑलरेडी लोगों के दिलों में. मेरी फैमिली जो ज़्यादातर उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है कि क्या स्टोरी है क्या है. ये साबरमती के लिए मुझे बहुत कॉल्स आए कि ये क्या है किस बारे में है ये फिल्म. आई थिंक आपको ज़रूर थिएटर जाके फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज इट्स अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. और भी बहुत बातें करेंगे आराम से. साबरमती बहुत सारी कम जानकारी है ऑडियंस के बीच. अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये आपने सही सवाल पूछा मुझसे कि बहुत कम लोग जानते हैं. वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी थॉट कि ये कहानी हमें कहनी चाहिए क्योंकि आज का जो यूथ है अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता नहीं है कि 22 साल पहले हुआ क्या था. ये एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश के इतिहास को हमारे समाज को एक तरीके से टोटली बदल दिया. ये हमारा प्रयास है कि वो कहानी हम लोगों के साथ शेयर करें जो 59 लोग थे जिनको लोग भूल गए अनफॉर्चुनेटली उनको हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है. और ये फैक्ट बेस्ड एक फिल्म है. ये ड्रामा है जो हमने बनाने की कोशिश की है एंड वी आर होपफुल कि जो यूथ है इस देश का वो ये फिल्म को देखेगा
समझने की कोशिश करेगा, हमारे प्रयास को समझने की कोशिश करेगा। जितना मैंने टीजर देखा मुझे समझ में आया कि जर्नलिस्ट का किरदार आप दोनों कर रहे हैं जी। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के फियरलेस जर्नलिस्ट बिल्कुल आपकी तरह जी बिल्कुल आपकी तरह किस तरह के सवाल पूछते हुए नजर आएंगे आप वो आप पिक्चर में देखिएगा सर। बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है ये। जैसे मैंने कहा कि जो 22 साल पहले 27 फरवरी को हुआ था उस बारे में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, और मीडिया का जो एक रोल होता है हमारे समाज में, एक आम जनता जो होती है वो रोज़ सुबह उठ के अखबार खोलती है या न्यूज़ के सामने जब बैठती है वो एक उम्मीद के साथ बैठती है कि ये हमारा ज़रिया है सच के लिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो जो एक जिम्मेदारी मीडिया को दी जाती है वो कई बार उसे निभाया नहीं जाता है, और उसका प्रभाव जो आम जनता पर पड़ता है, उसका प्रभाव घरों में जो पड़ता है, उसका प्रभाव जो लोगों की दृष्टिकोण में पड़ता है, वो हमने कहीं ना कहीं इस कहानी से कहने की कोशिश की है। देखिए मैं बहुत ही डी ग्लैम जर्नलिस्ट हूँ मैं ये अभी आपको ग्लैमरस लग रही हूँ, पर देखिए मेरा भी प्रयास यही है एज एन एक्टर कि यू नो अलग अलग तरह के किरदार निभा पाऊँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे कि विक्रांत ने कहा, इन्होंने मीडिया की बात करी, मैं जर्नलिस्ट की बात करूँगी कि जर्नलिस्ट की भी जो जॉब है वो बिल्कुल आसान नहीं है। आई मीन वो कैसे अपने आप को अपनी खुद की लाइफ को पहले रखते हैं अपने काम से पहले। बहुत ऐसे कम प्रोफेशंस होते हैं, और हम ऐसे दो किरदार निभा रहे हैं जो बहुत ही पैशनेट जर्नलिस्ट्स हैं, क्योंकि जब तक आप पैशनेट नहीं हैं अपनी जॉब के लिए तब तक आप सच लोगों तक नहीं ला सकते। तो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट वी हैव डन जस्टिस टू आवर रोल्स, बाकी अब लोगों के हाथ में। इनका कहने का मतलब था कि अपने प्रोफेशन को अपनी निजी जिंदगी से पहले रखते हैं। हाँ जी यस जी अपनी जिम्मेदारियों साबरमती रिपोर्ट। हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लोग इस फिल्म को आकर देखें। बहुत क्यूरियोसिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं कब रिलीज होगी। जी बस यही है कि 15 नवंबर को प्लीज अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाएं और साबरमती रिपोर्ट देखें, और सोशल मीडिया पे हमें टैग करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। एक बार।